हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट टेक। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली मेन पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं, सब चीज़ जो उनको आती है वो सब कर रहे हैं, बट फिर भी उनका चैनल ग्रो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और मैं आपको क्लियरली वो चीज़ें बता दूंगा जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा। और मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ, जो बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, अगर वो आपने फॉलो करी तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बेसिकली मैं इस फेस से निकल चुका हूँ, ठीक है। मेरे भी एक टाइम पे 300-400 व्यूज़ आते थे और इस चैनल पे, इसी चैनल पे जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, 6000 व्यूज़ तक लेकर गया हूँ मैं अभी सिर्फ 1.5 महीने के अंदर अंदर। क्या क्या चीज़ें मैंने करी है और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है वो सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट मैं लिख के दे सकता हूँ, वो गलतियाँ जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, कन्फर्म है अगर आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा तो उसमें से एक गलती आप पक्का कर रहे होंगे, ठीक है। चलो डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहली दिक्कत जो लोग करते हैं ना, जिसकी वजह से उनका चैनल ग्रो नहीं करता, वो ये है कि वो यूट्यूब एसईओ नहीं करते। और भी बहुत सारे पॉइंट है बट पहले यूट्यूब एसईओ का पॉइंट सुन लो, ठीक है। मैं बता दूँ, आज से 1.5 महीने पहले मेरे चैनल पर 300 व्यूज़ आते थे, ठीक है। और मैंने बोला था कि अब है ना बहुत हो चुका है, मैं चैनल पे YouTube SEO करने वाला हूँ और इससे मेरे को ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, आप देखना। और आज अगर आप उठाकर देखोगे ना, कहाँ मेरे को डेली 300 व्यूज़ आते थे और आज एकदम से 6000 हो गए। और किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ YouTube SEO की वजह से हो गए, ओके। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके चैनल की ग्रोथ नहीं होती, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है YouTube SEO। देखो, मेरे को विश्वास तो था कि YouTube SEO से ग्रोथ होगी, बट इतनी होगी ये मेरे को विश्वास नहीं था। मतलब बहुत ही ड्रास्टिक चीज़, मेरे को लग रहा था अभी मेरा ग्राफ ऐसे है, ऐसे हो जाएगा, वो बिल्कुल ऐसे हो गया, मतलब बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है वो ग्राफ। तो इसलिए बोल रहा हूँ YouTube SEO ज़रूर करना अपनी वीडियोज़ पे। YouTube SEO होता क्या है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, टैग क्या डालना है, डिस्क्रिप्शन क्या डालना है, टाइटल क्या डालना है, इन सब पे अच्छे से रिसर्च करते हो, फिर उसको अपलोड करते हो, ठीक है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि YouTube SEO से फ़ायदा होता है या नहीं होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। स्टार्टिंग के 2 सेकंड देखोगे ना, उसी में मैंने बताया कि मेरी कैसे इस महीने में $16, इसमें $30 और उसके अगले महीने एकदम से, मतलब बिल्कुल डबल डबल पे गेम चल रहा है सिर्फ और सिर्फ YouTube SEO की वजह से, ठीक है। और उसके नीचे ही मैं एक YouTube SEO की वीडियो दे दूंगा कि आपको टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें डालने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना और कैसे रिसर्च करनी है, ओके। YouTube SEO करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ 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 आप YouTube SEO ज़रूर करो। क्वालिटी तो इंपॉर्टेंट है, वीडियो तो इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट YouTube SEO है, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगर आपको YouTube SEO के बारे में जानना हो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी आपको, दे रखी होगी YouTube SEO कैसे करना है, और साथ में ये भी दे रखी होगी कि मेरे को YouTube SEO से कितना फ़ायदा हुआ है, ओके। डायरेक्टली नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से लोगों का चैनल ग्रो नहीं करता, वो ये है कि वो एवरग्रीन कंटेंट नहीं डालते। एवरग्रीन कंटेंट का मैं मतलब समझाता हूँ। ये वाला चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, मेन पॉइंट टेक, इसको उठाकर देखना एक बार, इसकी सारी वीडियोस देखना, सारी की सारी वीडियो ऐसी मिलेगी जो कि एक एवरग्रीन कंटेंट है। एवरग्रीन कंटेंट का मतलब जो हमेशा चलती रहेगी, जिसकी टाइम लिमिट नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ब्लॉग डालते हैं, ठीक है, डेली ब्लॉग्स डालते हैं और वो स्टडी ब्लॉग्स डालते हैं। ये मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी ब्लॉग्स डालते हैं। स्टडी ब्लॉग्स बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, बट एक छोटी सी दिक्कत है स्टडी ब्लॉग्स में। वो क्या है कि मान लो मैंने एक स्टडी ब्लॉग बनाया जो कि है पिछले महीने का, डेट लिखी हुई है थंबनेल पे, सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है, डे वन डे टू ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब क्या होता है कि कोई एक बार 2-3 दिन तक व्यूज़ आते हैं, बट उसके बाद उस वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि वो एवरग्रीन वीडियोज़ नहीं है। और वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही। याद रखना, आपके चैनल पर व्यूज़ तभी आएंगे, आपके चैनल पर सब्सक्राइबर तभी बढ़ेंगे जब आप लोगों की हेल्प कर पाओगे। अब जब आप स्टडी ब्लॉग्स डाल रहे हो, तो सिर्फ आप स्टडी ब्लॉग्स बना रहे हो या ब्लॉग्स वगैरह बना रहे हो, क्या लोगों की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पा रहे हो? क्या आप ऐसा कॉन्टेंट डाल रहे हो जो कि एवरग्रीन है? तो एवरग्रीन कंटेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टडी ब्लॉग्स बना रहे हो, मैं समझाता हूँ, जैसे कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेरे से बेसिकली क्वेश्चन भी करा था, सर हमारा चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा? तो आप, मैंने उनको उस टाइम जवाब नहीं दिया था, मैंने कहा था इस पर वीडियो बनाऊंगा और ये वीडियो वही वाली है। आप अगर स्टडी चैनल को उठाकर देखोगे तो उसमें आप अगर देखोगे तो ज़्यादातर वीडियो ऐसी होती है जो एवरग्रीन नहीं होती। अब हम एवरग्रीन के वीडियो कैसे बना सकते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूँगा, वो अभी 11th में है। तो सबसे पहले तो वो क्या कर सकते हैं, अपने जूनियर्स के लिए, 10th वाले बच्चों के लिए वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। और जब वो वीडियोस बनाए तो ये ना सोचे कि इस पे व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि मैं बता दूं कि मेन पॉइंट टेक पे जो आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो है ना, जब वो मैं बना रहा था ना, तब मेरे को बहुत आलस आ रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे।
और आज सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी वीडियो पे, और जो सेकंड वीडियो है ना उसके आधे व्यूज़ भी नहीं है उससे सेकंड नंबर पे जो वीडियो है, ठीक है। तो कोई भी वीडियो बनाओ ना ये मत सोचो कि व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, बस ये देखो कि आप कुछ अलग कर रहे हो, आप एवरग्रीन कंटेंट बना रहे हो या नहीं बना रहे। अगर मान लो आप यूट्यूब के टिप्स पे या यूट्यूब की जो भी न्यूज़ वगैरह होती है उस पे भी वीडियोज़ बना रहे हो, तो बीच बीच में एवरग्रीन वीडियो भी डालो। जैसे मेरे जो स्टूडेंट हैं वो स्टडी ब्लॉग्स डालते हैं, तो डालो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बीच बीच में आप एवरग्रीन कंटेंट भी डालो जो हमेशा आपके चैनल पे रहे और आपके चैनल को व्यूज़ देते रहे। अगर मेरे मेन पॉइंट टेक के चैनल की बात करो ना, तो यहाँ पर भी जो पुरानी वीडियो है, जो एवरग्रीन वीडियो है, उससे मेरे को ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। ऐसी वीडियो बनाओ जिसकी कोई टाइम लिमिट ना हो। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ कनेक्शन। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। देखो अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, है ना, एंड मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो एक तरह से कनेक्शन बैठ रहा है आपके और मेरे बीच में। ठीक है, आप मेरी वॉइस सुन रहे हो, आप मेरी बातें सुन रहे हो, कुछ को अच्छी लगेगी बातें, कुछ को बुरी लगेगी, कुछ को बहुत अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बहुत बुरी लगेगी, है ना। देखो आप अगर मेरे को देख रहे हो ना इस टाइम, तो आप मेरे बारे में परसेप्शन ज़रूर बनाओगे, चाहे बुरा बनाओ चाहे अच्छा बनाओ, है ना। देखो दुनिया बहुत बड़ी है, ओके, एंड मैं खुद हैरान था एक टाइम पे जब मैंने मेन पॉइंट स्टडी पे, मेरा स्टडी वाला चैनल भी है, ठीक है, आप देखना उसको, तो मेन पॉइंट स्टडी पर जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था ना, तो उससे पहले मेरे को लगता था मेरी वॉइस बहुत ख़राब है, बट जब मैंने वीडियोस डालना शुरू किया तो लोगों ने मेरी वॉइस को पॉइंट आउट किया और बोला कि सर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। तो दुनिया बहुत अच्छी है, ठीक है, आप बस अच्छा काम करो। अगर आप कुछ गलत बोलते हो ना किसी को, तो आपको भी हेट मिलेगी। कभी भी कॉन्ट्रोवर्सी में मत पड़ो, अच्छा काम करो, अच्छी चीज़ें प्रमोट करो, अच्छे से बोलो। एक कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक कनेक्शन की बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो जो छोटे यूट्यूबर होते हैं ना, जो जिनके सब्सक्राइबर कम होते हैं, छोटे यूट्यूबर तो गलत वर्ड है, ऐसे चैनल जिनके सब्सक्राइबर थोड़े से कम होते हैं, जो अभी अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, वो क्या करते हैं, कनेक्शन नहीं बैठाते। कैसे नहीं कनेक्शन बैठाते, वो अपने चैनल पे अपना फेस शो नहीं करते। देखो ये बात मैं बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको लगेगा सर आयरनी है बिल्कुल, तो क्योंकि मैंने खुद अपने चैनल पे, मेरा जो स्टडी चैनल था, 1.5 साल तक अपना चेहरा नहीं दिखाया था। मेरे को पता है ये बहुत डिफिकल्ट होता है अपना फेस शो करना, अपनी वॉइस और ओरिजिनल वॉइस डालना है, ये इतना इजी टास्क नहीं होता। बट देखो यूट्यूब जो है वो ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और डरो मत, मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आप अच्छा काम करोगे ना, अगर आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, पक्की बात है वो दूसरा आपको प्रेस करके ही जाएगा। बेशक अगर वो आपकी वीडियो पे आया, उसको आपके अपने क्वेश्चन का आंसर ना मिला, फिर भी वो आपको प्रेस करके जाएगा, क्योंकि आपके बोलने का तरीका अच्छा है, क्योंकि आप उसकी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो, और मेरे को लगता है मेरे से अच्छी, मतलब मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि एक बार मेन पॉइंट स्टडी पे प्रॉब्लम आई थी, मेरे चैनल पे प्रॉब्लम आई थी, तो वो बच्चे जो बिल्कुल अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनका मेन पॉइंट स्टडी से कोई लेना देना नहीं, जिनको मैंने 10th में सिर्फ SST पढ़ाई थी चैनल पे, और वो अब ग्रेजुएशन में कोई साइंस में कॉमर्स में, उन्होंने भी पूछा कि सर क्या हो गया, मतलब मैं हैरान था कि उनके तक मेरे को मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो बस अपना दिल साफ रखो, ओके, और ट्राई करो अपने चैनल पर ऑडियो वीडियो डालो, ठीक है। अपना चेहरा अगर आप दिखा रहे हो, देखो जैसे मेरे, अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूं जिनका यूट्यूब चैनल है, पहले उन्होंने फेस शो नहीं किया था, बट उन्होंने थोड़ा दम दिखाया, थोड़े गट्स आए उन्होंने, थोड़ा सा उन्हें लगा कि हाँ फेस शो करना चाहिए, थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ना चाहिए, और उन्होंने अपना फेस शो किया। अब मेरे को लगता है थोड़ा सा और स्टेप और वो अपनी अगर वॉइस भी डाले और अपने जूनियर्स को ये बताएं कि उनको क्या करना चाहिए क्लास 10th में, क्या क्या चीज़ें उनको इम्प्रूव करनी चाहिए, एवरग्रीन कॉन्टेंट, तो बहुत अच्छा होगा। एक कनेक्शन बिठाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ आपके चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके जाते हैं क्योंकि उनको आपके बोलने का तरीका अच्छा लगता है, ठीक है। प्योर रहो हमेशा, कभी कोई गलत चीज़ प्रमोट नहीं करनी और ना ही कंट्रोवर्सी में पड़ना है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, कंट्रोवर्शियल वीडियो बना देते हैं, इसको गाली देता है कोई यूट्यूबर, इसको गाली देता है, इससे देखो इनिशियल तो फ़ायदा हो जाता है, बट जैसे ही कंट्रोवर्सी खत्म होती है आपको बहुत तगड़ी हेट मिलती है, तो ऐसा काम नहीं करना। इसलिए मैं हमेशा इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, आपको भी ये सलाह दूंगा, इनसे दूर रहो, ठीक है। चलो एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी एक्सपेरिमेंट। हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहो। देखो जब आपको पता चल गया है कि यार मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ अपने चैनल पे, और जो मैं कर रहा हूँ ना, जो मैं कर रहा हूँ और जैसे मैं कर रहा हूँ, उससे मेरे को कोई ज़्यादा फ़ायदा देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो थोड़ा थोड़ा चेंज करो। जैसे कि मान लो मैं एक ही जैसे थंबनेल डाल रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को पता है यार 1.5 महीना हो गए, 3-4 महीने हो गए हैं, और मेरे चैनल पर ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रही, तो आप थोड़ा सा कुछ अलग डालने की कोशिश करो, थंबनेल चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है। क्लिकबेट वगैरह भी कर सकते हो, क्लिकबेट ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही अलग दिखाओ, है ना, क्लिकबेट मतलब थोड़ा सा, जैसे कि मान लो इस वीडियो पे मतलब कुछ कुछ होता है ना कि जो आपको डराते हैं, ठीक है,
कि अगर ये वीडियो नहीं देखी तो नंबर कम आएंगे, है ना, मतलब आपके एग्जाम में नंबर कम आएंगे। तो ऐसे क्लिक बेट जो है वो आप अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हो, कि चैनल ग्रो करना है तो यही वीडियो देखो, नहीं देखी तो चैनल ग्रो नहीं हो जाए। ऐसे ऐसे अगर आप यूट्यूब टिप्स की वीडियो बनाते हो, स्टडी ब्लॉग्स बनाते हो, तो आप एक ऐसी, जैसे कि कोई क्लास 11th का बच्चा अपने जूनियर की हेल्प करने के लिए वीडियो बना रहा है, तो ये बता सकता है कि ये चीज़ें मेरे को फेल करवा सकती थी, ऐसे ऐसे आप थंबनेल में लिख सकते हो। क्लिक बेट नहीं है, बट इससे एक्चुअल में जब वो वीडियो देखेगा तो उसे समझ आएगा कि हाँ यार, ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो बेसिकली हमारा फ़ायदा हुआ। मतलब वो वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा एक्चुअल में ये वीडियो देखना इंपॉर्टेंट था। तो थोड़ा बहुत क्लिक बेट चलता है, ऐसा ना कि बिल्कुल ही ज़्यादा क्लिक बेट करो आप, बट हाँ कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहो अपने चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं एक्सपेरिमेंट ही करता हूँ, ये 1.5 महीने मैंने एक्सपेरिमेंट ही करा है। मैंने हर टाइप की वीडियो डाली है, ठीक है, मैंने अपनी अर्निंग भी शो करी है। अगर आप मेरी अर्निंग भी जानना चाहते हो तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, जो मेरी सबसे पॉपुलर वीडियो थी ना, जिसपे मैं कह रहा था मेरे को आलस आ रहा था, वो बेसिकली मैंने इसी वजह से बनाई थी, क्योंकि मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं नॉर्मल यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड अपनी यूट्यूब के बारे में टिप्स वगैरह दे रहा था, यूट्यूब चैनल के बारे में बता रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एनिमेशन वीडियो के बारे में बताएं, है ना, क्योंकि वो भी टेक्स से रिलेटेड है। और बेसिकली मैंने ये बोला था कि एनिमेशन वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल सकते हो, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई और ग्रोथ हो गई। अगर आप जानना चाहते हो कि फ़ोन से एनिमेशन वीडियो आप कैसे बना सकते हो, वो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन जिसमें हाथ वगैरह दिखता है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वही वीडियो है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो है। लैपटॉप के बारे में भी दे रखा है कि लैपटॉप से आप एनिमेशन वीडियो ऐसी जो आप कहते हो ना कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन होती है, वो कैसे बना सकते हो, ठीक है। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल गई हो। और लास्ट में एक एडवाइस और करना चाहूँगा कि आप क्या करे करो, अपने चैनल की जो एक वीडियो है ना, उसको दूसरे वीडियो से कनेक्ट करके रखा करो, जैसे कि मैंने इस वीडियो में किया। आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे ना, तो मैंने इस वीडियो के अंदर आप देखो 3-4 वीडियो का एक तरह से आपको रेफरेंस दे दिया। पहले तो यूट्यूब SEO की वीडियो, फिर अपनी अर्निंग से रिलेटेड, फिर एनिमेशन वीडियो से रिलेटेड। ऐसे आप अगर रेफरेंस दोगे, अगर आपके वीडियो पे 1000 व्यूज़ आते हैं, तो 1000 में से एक बंदा तो आपकी दूसरी वीडियोज़ पर जाएगा। तो रेफरेंस देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। जब आप रेफरेंस देते हो ना, तो बेसिकली एक आपके ऐसा, कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल ऐसे होते हैं जिनकी एक वीडियो पे मिलियन व्यू होते हैं, बाकी पे बहुत कम होते हैं, 300-400 होते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि वो रेफरेंस नहीं दे पाते, जोड़ के नहीं रख पाते। तो जोड़ के रखो आपके चैनल को, ठीक है, कि बाकी वीडियोज़ पर भी व्यूज़ आते रहे। ओके, और मेन पॉइंट टैग पे मैं ऐसी वीडियो डालता हूँ, अर्निंग से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, कि आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो, मेरी वेबसाइट से कितनी अर्निंग आती है उसकी भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एनिमेशन वीडियो तो बना बना के रखी हुई है मैंने, और साथ में यूट्यूब SEO, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, यूट्यूब SEO की वीडियो देखना मत भूलना, उस पर व्यूज़ कम है। 34 मिनट की वीडियो है, वो इतनी बड़ी वीडियो है, बट मैं बार बार वही रिकमेंड करता हूँ आपको, ठीक है। वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको यूट्यूब SEO करना ही पड़ेगा। आई होप ये चीज़ें आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, एंड आपको लगा हो कि हाँ, मैंने जो बातें बताई है आपकी थोड़ी हेल्प करेगी, आप ये मिस्टेक कर रहे थे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेगी दूसरों के चैनल की भी, जो आपकी हेल्प कर पाए, ठीक है। यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया, एंड आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर द सपोर्ट, बाय बाय।